दोस्तों आज हम फिर से करने वाले हैं कमेंट सेशन, और आप जानते हैं कि हर कमेंट सेशन में हम लेते हैं 5 कमेंट और कोशिश करते हैं कि उन 5 कमेंट के माध्यम से बाकी सभी लोगों की हेल्प हो सके। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिशन चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि कमेंट सेशन में हम लेते हैं 5 कमेंट और उन 5 कमेंट में कोशिश करते हैं कि उनके जवाब देख सकूं और साथ ही साथ उन लोगों को भी हेल्प कर सकूं जो लोग इस कमेंट से रिलेटेड हैं। यानी मैं सबके कमेंट नहीं ले पाता, तो 5 कमेंट लेते तो उनसे रिलेटेड जो भी लोग उनकी भी बात हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर कमेंट सेशन को हम बहुत छोटा रखते हैं जिससे आपको जल्दी से देख सकें, समझ सकें और इसको स्किप ना करें, क्योंकि हम छोटा सा ही रखते हैं। अगर कुछ स्किप करें, कुछ छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप लाइक करते हैं और इसको प्रमोट करते हैं तो हमको और अच्छा लगता है कि जल्दी से और वीडियो बनाएं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला कमेंट, और ये पहला कमेंट है हार्दिक सोनी जी का। ये कह रहे हैं कि सर, मैंने 15 फरवरी 2022 को कोटक में लोन के लिए अप्लाई था और 25 मार्च 2022 को लोन आईडी मिला था, 5 अप्रैल 2022 को बैंक ने चेक मिला था, क्या मुझे सब्सिडी मिलेगी प्लीज। देखिए, आपने जो लोन चेक मिला आपको लोन का 15 अप्रैल को, यानी आपका डिसबर्समेंट ऑलमोस्ट 5 को ही हुआ है, 5 अप्रैल को डिसबर्समेंट हुआ और सब्सिडी अप्लाई नहीं हुई मार्च में, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जैसे कि आप बोल रहे हैं लोन आईडी मिला था 25 का, तो इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको 25 तारीख को डिसबर्समेंट हो गया और एप्लीकेशन आईडी भी आपको मिल गई है, तब तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको मार्च में एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली, यानी आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब पढ़ते हैं आज का दूसरा कमेंट, और ये दूसरा कमेंट है प्रदीप कुमार जी का। कह रहे हैं कि सर, मेरी 4th मंथ से पहली स्टेज पर रुकी है, बैंक वाले कहते हैं पोर्टल बंद हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करूं। देखिए प्रदीप जी, आपका आपने 4th मंथ से, यानी ऑलमोस्ट हमने 4-5 महीने पहले ही सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया हुआ, तब से पहला स्टेज आ रहा, तो इसमें बैंक की गलती, बैंक ने पेंडेंसी क्लियर नहीं की, इसके कारण आपका पहला स्टेज रुका हुआ है। आप बैंक से बात करिए, रिटर्न में बात करिए, उन्हें मेल पर लिखिए या मेल पर बात करिए उनसे, इसे क्लियर करने, फिर वो मेल पर अगर क्या जवाब देते हैं, जैसा आप बोला अगर वही रिप्लाई सेम करते हैं, तो उसी मेल को फॉरवर्ड करिए कहाँ पर, आप NHB को, NHB से क्या जवाब आता है उसके लिए हम वेट करेंगे, उसके बाद हम RBI करेंगे, क्योंकि आपने अपना सही समय पर अप्लाई कर दिया तो आप 100% एलिजिबल है सब्सिडी के लिए। इसमें बैंक की गलती है तो बैंक उसको सॉल्यूशन करके देगी। सो आप निश्चित रहें, इस चीज को टेंशन ना लें, बैंक क्या बोल रही, पोर्टल बंद हो गया तो आपकी गलती नहीं है, बैंक का काम था, बैंक ने नहीं करा समय पर। आप बैंक को रिटर्न में मेल लिखिए और उनसे जवाब मांगिए, उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपसे फिर बात। अब पढ़ते हैं आज का तीसरा कमेंट, और ये तीसरा कमेंट है सोमिता घंटी जी का। कह रहे हैं, हाय सर, मैं 3rd स्टेज पर हूँ और 2021 के जनवरी से MIG में हूँ, HDFC से होम लोन लिया है, सबके मेल किया, सबने चेक करते रहने को बोला है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला है कि कब तक मिलेगा, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मिलेगा कि। देखिए सोमिता जी, MIG के लिए जैसा कि अपडेट सबने बोला है, क्योंकि अगर देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि नहीं मिलेगा या मिलेगा, तो हम यही मान के चलेंगे कि मिलेगा। और मेल करने के लिए इसे बोलते हैं कि जब ज़्यादा समय हो जाए तो CNA को मेल करके हम अपना स्टेटस जान सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ एरर की वजह से हमारी सब्सिडी होल्ड हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके कारण सब्सिडी हमको नहीं मिल रही हो। तो हम इसलिए मेल करने के लिए बार बार बोलते हैं कि आप उससे स्टेटस पता चल जाएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सुधार सकें, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो सुधारने लायक है तो हम सुधार सकते हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सुधारने लायक, या हो सकता है कि किसी कारण से ऐसा कुछ क्लॉज हो जिस कारण आपको सब्सिडी नहीं मिलना हो, तो ये सारी चीज़ें स्टेटस हमें पता चल जाता CNA को मेल करके, नहीं सेंट्रल नोडल एजेंसी को मेल करके। सो जी, मैं अभी 2-1 दिन में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ MIG ऊपर, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि MIG सब्सिडी क्यों रुकी है, क्या कारण हो सकते हैं रुकने के और कब तक मिलने वाली है। देखो क्या है कि सब्सिडी तो सबको मिलेगी, ठीक है, और मैं सबके इसीलिए मैं खुद परेशान हूँ कि MIG वालों काफ़ी टाइम से कुछ स्टेट मूव नहीं हो रहा, जो इनका स्टेज था पहले से लगभग वैसा ही है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों से आपको कलेक्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा चैनल का उद्देश्य है कि हम आपको जब तक एक सब्सिडी नहीं मिले तब तक बात करेंगे। तो सुमिता जी, आप निश्चिंत रहें, अभी 2 दिन बाद एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ मैं, आप उसको देखिए और उसके तरीके से एक बार काम करिए, और होप मत छोड़िए, आपको सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि सब्सिडी बंद हुई, आपने 2021 से पहले अप्लाई कर दिया है और आपका स्टेज तब से 3rd स्टेज पे, तो क्यों नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल हैं। आपने ऐसा नहीं है कि सब्सिडी के बियॉन्ड जाके या उनके क्राइटेरिया के बियॉन्ड जाके आपने अप्लाई किया। सो निश्चिंत रहें, सब्सिडी आपको मिलेगी और 2 दिन बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसको जरूर देखेगा। अब पढ़ते हैं आज का चौथा कमेंट है, चौथा कमेंट है राहुल मिश्रा जी का। ये कह रहे हैं कि हेलो सर, मेरा 25 मार्च को ही 4th स्टेज क्लियर हो गया है और मैसेज भी आया है, मैसेज में लिखा है NHB विल रिलीज सब्सिडी
ऑनवर्ड योर होम लोन अकाउंट प्लीज रिप्लाई। देखिए राहुल जी, जो फोर्थ स्टेज आ गया उसके बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि आपको सब्सिडी मिलनी है, आप क्यू में हैं सब्सिडी वाले में। जैसा कि मैं पहले से कई बार बताते आ रहा हूँ, ये आपने स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं फुल प्रोसेस वाला, इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि सब्सिडी कैसे मिलती है। और आप लोगों ने अगर किसी ने नहीं देखा है वाला वीडियो तो प्लीज़ आप जरूर देखें, इसकी लिंक मैं ऊपर कार्ड में भी दे रहा हूँ, नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि सब्सिडी कैसे प्रोसेस होती है और कैसे मिलती है, हम तक कैसे पहुंचती है सब्सिडी। तो राहुल जी, आपका जो मैसेज आया है, आप इसको अपने अकाउंट को, होम लोन अकाउंट जो है आपका ऑनलाइन अगर आपको ओपन करना आता है तो ऑनलाइन चेक करते रहें या बैंक से हफ्ते पूछते रहें, सब्सिडी आपको 15-20 दिन के अंदर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और अब पढ़ते हैं आज का आखिरी कमेंट और पांचवा कमेंट है। पांचवा कमेंट है दिव्या शर्मा जी, कह रहे हैं इनको कुछ अता पता नहीं है, एक ही बात वीडियो में बोलते रहते हैं, कब से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि MIG कैटेगरी का सब्सिडी 1.5 ईयर से रुका है, लोगों को थर्ड स्टेज में जो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका जवाब इनको देना नहीं है और वीडियो में बोलते हैं, अगली वीडियो में बताएंगे, कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को, गुमराह करके अपनी व्यू बढ़ाने का है इनको, बस जीनियन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है इनके पास, EWS और LIG के सहारे जिंदा हैं ये, गलत बात है सर ये, अगर लोगों को सोल्यूशन नहीं दे सकते तो अपना चैनल बंद कर दो। देखिए दिव्या शर्मा जी, आप बहुत नाराज लग रहे हैं और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है और सही आप को पहुंच नहीं पा रहा, तो पहले तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और आपकी परेशानी का कारण भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप MIG कैटेगरी में और MIG कैटेगरी का काफ़ी टाइम से कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा चीज़ों को देखते हुए, ना ही गवर्नमेंट कोई अपडेट दे रही, ना ही उनके पोर्टल पर कोई अपडेट आ रहा, ना ही किसी न्यूज़ में आ रहा, ना ही बजट में आया, तो MIG को लेकर ये थोड़ा सा चल रहा है प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से आपकी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन आप निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेकर कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि ऐसे व्यू बढ़ाने के लिए ये सारे, देखिए हमारा उद्देश्य नहीं, जैसा मैं आपको चैनल में शुरुआत से की बात बोलता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है चैनल को, इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, मैं चाहता हूँ कि हर एक के पास एक बेसिक फाइनेंस का नॉलेज हो जिसके उससे साथ फ्रॉड ना हो। मैं यहाँ पे किसी को कुछ ज़्यादा सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ सिखा रहे हैं बहुत अच्छे से और मुझसे ज़्यादा अच्छे से सिखाते होंगे होपफुली, और अच्छे से जानते भी हैं, अच्छे एजुकेटेड भी हैं, सारे चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस आपको इतना सिखाना चाहता हूँ कि इतना लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेसिक जो फाइनेंस है वो समझ लें, क्योंकि उनके साथ कभी फ्रॉड ना हो। आप लोन लेते हैं, आपसे लोन वाला व्यक्ति एजेंट है पैसे ले लेता है आपसे लोन करवाने के, आपको अच्छे लोन अमाउंट का बोल के एडवांस में कुछ पैसे लेके फ्रॉड करके चला जाता है, कोई अच्छे तरीके से पोंजी स्कीम यानी चिटफंड स्कीम आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कोई गिफ्ट दे दिया, आपको कोई लिंक भेज दिया, आपको लकी ड्रॉ निकाल दिया। मेरा मतलब है कि आपको बेसिक फाइनेंस पता हो जिससे आपके साथ फ्रॉड नहीं रहे। और दूसरी बात दिव्या सिंह, रही बात आपकी MIG कैटेगरी की, तो MIG कैटेगरी के लिए मैं हर बार प्रयास कर रहा हूँ, हर चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ अपडेट दे पाऊँ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई अपडेट नहीं है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता इसमें कि मैं बोल दूँ कि ठीक है एक महीने बाद दो महीने बाद रिलीज होगी होल्ड होगी, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए आपको खुशी दे सकता है लेकिन आपका काम नहीं कर सकता है। तो मैं आपको वही गाइड करूंगा, वही चीज़ सही दूंगा दिव्या जी जिससे आपका काम हो, ठीक है। तो MIG कैटेगरी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और मैं जानकारी निकालूँ कब तक जो होल्ड है उनकी प्रोसेस हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हाल ही थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि इसमें MIG कैटेगरी के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, 2-3 दिन के अंदर मैं आपके पास लाऊंगा, मतलब 2-3 दिन के अपने चैनल पे आ जाएगा, आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं आप जरूर देख पाएंगे उसको। तो इस वीडियो आप उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि सब्सिडी का क्राइटेरिया क्या रहता है और MIG को क्यों होल्ड है और क्या रीज़न है, क्या क्या सारी चीज़ें मैं उसके सामने रखने वाला हूँ जिससे आप एनालाइज कर सकें कि आपकी सब्सिडी इससे मैच खाती है नहीं, इससे मेल कर, अगर आपकी सब्सिडी हो रही है तो फिर प्रोसेस क्यों नहीं हो, और इससे मेल नहीं हो रही तो फिर आपकी सब्सिडी को क्राइटेरिया मेट नहीं हो इसलिए सब्सिडी होल्ड है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ भाई जी, आप परेशान ना हो, ठीक है। आप जो चीज़ मेल करने के इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि इस जिससे क्या होगा, आप इस NHB को आपके जो CNA है उनको मेल करेंगे तो वहाँ से आपको स्टेटस पता चलेगा कि क्यों होल्ड है सब्सिडी, क्यों मूव नहीं हो रही, क्या रीजन है। एक्चुअली हमें जब रीजन फाइंड हो जाएगा तो हम उस पर काम कर सकते हैं, जब हमें रीजन नहीं पता है तो हम उस पर क्या काम करें, इसलिए मैं मेल करने के लिए बार बार बोलता हूँ। तो शर्मा जी आप एक काम करिए, है ना, CNA को आपने मेल करा होगा, मैंने जैसे बताया, उम्मीद
करता हूँ और नहीं किया तो एक बार जरूर मेल करें और मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसको जरूर जरूर देखें। और उम्मीद मत छोड़िए, सब्सिडी आपको मिलेगी। और मैंने आपसे वादा किया था सभी लोगों से, जब तक आपकी सब्सिडी नहीं आ जाएगी तब तक मैं लाइव सेशन करूँगा, उसके बाद नहीं करूँ पता नहीं, लेकिन तब तक मैं जरूर करूँगा जब तक सब्सिडी ना। और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगी सब्सिडी के बारे में हमारे चैनल पे। फाइनेंस में काम करता हूँ, लोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं जो सब्सिडी के बारे में कोई भी जानकारी ऐसा नहीं कि नहीं पता, जो हम जानकारी देना चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि वो सही जानकारी हो। आपको थोड़ी सी खुशी देने के लिए गलत जानकारी नहीं देंगे। मैं आज बोल दूँ डेट एक्सटेंड होगी, मैं ऐसा टैग डाल दूंगा हजारों व्यू आ जाएंगे, लाखों व्यू आ जाएंगे, लेकिन मुझे व्यू और उससे मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ जो जानकारी दूँ जेन्युइन जानकारी, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आप कहीं भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना, गलत नहीं निकलेगी। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे व्यू बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है। हाँ, ये सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यू बढ़ते हैं तो इससे फैमिली बड़ी होती है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि लोगों को सही जानकारी पहुँचाए। सो दीपक जी, आप एक बार मेल जरूर करें, ठीक है, और जुड़े रहें हमारे साथ, बहुत जल्दी आपकी सब्सिडी आ जाएगी। टेंशन ना लें और इतना लोड लेके काम ना करें, खुश रहें। आज के 5 कमेंट वो काफ़ी यूनिक और अच्छे कमेंट थे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को उनके जवाब मिल गए होंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये कमेंट सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जिनकी सब्सिडी रुकी हुई है, आने वाली है। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।